फाइल ओपनिंग मोड्स, फाइल ओपन करने के अलग अलग मोड होते हैं। जो पहला प्रोग्राम हमने डिस्कस किया उसमें हमारा रीड मोड में ओपन किया, चलिए आर से ओपन कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम फाइल पे करना चाहते हैं। तो एफ ओपन क्या क्या कर सकता है? पहला है आर। एफ ओपन इस तरीके से लिखा जाता है, एफ ओपन, यहां फाइल का नाम आएगा डबल कोट्स में, यहां डबल कॉमा लगा के डबल कोट्स में आर आएगा, डब्ल्यू आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आर क्या करता है, इस फाइल को सर्च करेगा। यदि फाइल ओपन हो गई सक्सेसफुली तो ये लोड कर देगा मेमोरी में और पॉइंटर को पॉइंट कर देगा पहले कैरेक्टर में, पहले कैरेक्टर को ये पॉइंटर पॉइंट करने लगेगा। यदि फाइल आप ओपन नहीं कर सकते एफ ओपन से तो ये आपको नल रिटर्न करेगा, मतलब जीरो रिटर्न करेगा, इसका मतलब फाइल खुल नहीं पाई है। तो ऑपरेशन यहां पर जैसे रीडिंग के लिए, ऐसे आपका राइट मोड होता है, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको। ये फाइल को सर्च करेगा, यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके कंटेंट को ओवरराइट कर देगा, ये ध्यान रखिएगा, ओवरराइट कर देता है, ये पूरे कंटेंट को खत्म कर देता है, ओवरराइट कर देता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये अपने आप नई फाइल बना देगा। उसके बाद अगर ये फाइल ओपन नहीं हो पाई किसी तरीके से, किसी कारणवश, तो नल रिटर्न कर देगा। तो राइट करने के लिए हम डब्ल्यू यूज करते हैं। ए क्या होता है, अपेंड के लिए, यानी आपने ये फाइल लिखी हुई है, यहां तक आपने कंटेंट लिख दिया है, यहां से लिखना चाहते हैं हम इस पॉइंट से, तो ये क्या करेगा, यदि अगर एफ ओपन आराम से ओपन कर देता है बगैर किसी दिक्कत के, तो ये क्या करेगा कि पॉइंटर जो है वो जो लास्ट कैरेक्टर होगा जहां पर लिखा गया वहां पर पॉइंट करेगा। बस यही इन पे अंतर है, बाकी में क्या हो रहा है, फाइल पॉइंटर यहां पॉइंट कर रहा है, यहां पर इस ए से करेंगे तो लास्ट जो लिखा गया है वहां पर इसको पॉइंट करने लगेगा। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी अपने आप, और अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है तो ये भी रिटर्न करता है नल। तो नए कंटेंट डालने के लिए एंड फाइल के एंड में ए यूज करते हैं। ऐसे आपके पास आर प्लस है। आर प्लस क्या करेगा, अब देखिए ये आर है साथ में प्लस भी है, यानी रीड तो है साथ में प्लस भी है। ये सर्च करेगा फाइल को, यदि सक्सेसफुली एफ ओपन से अपने एफ ओपन काम कर गया तो ये क्या करेगा कि फाइल को लेगा, पॉइंटर पॉइंट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर के, और अगर फाइल ओपन नहीं हो पा रही है तो रिटर्न कर देगा नल। क्या क्या पॉसिबल है इससे, जैसे ये है कि रीड करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट है, नए कंटेंट आप लिख सकते हैं, और जो करंट कंटेंट है उनको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसे होता है डब्ल्यू प्लस। डब्ल्यू प्लस क्या करता है, ये भी पहले सर्च करेगा फाइल को, यदि फाइल एग्जिस्ट करती है तो ध्यान रखिएगा उसके कॉन्टेंट को ओवरराइट कर देगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और ये रिटर्न करेगा NULL null, अगर बाई चांस फाइल नहीं ओपन हो पाई। तो W प्लस से हम क्या क्या कर सकते हैं, नए कंटेंट लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उनको दोबारा कंटेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। A प्लस, A प्लस है अपेंड, ये सर्च करेगा फाइल को, यदि फाइल ओपन हो जाती है एफ ओपन से बहुत अच्छी तरीके से तो ये फर्स्ट कैरेक्टर पे अपना पॉइंटर रख देगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल क्रिएट होगी और ये रिटर्न करेगा नल यदि किसी तरह फाइल नहीं खुल पाई तो। ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं ए प्लस में, क्योंकि अपेंड प्लस है ये, हम पहले तो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उनको तो रीड कर सकते हैं, उसके बाद एंड ऑफ द फाइल में जाके वहां पर चीजों को अपेंड भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कंटेंट है उनको हम चेंज नहीं कर सकते इसमें।